काम तो आप सबको गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग क्या बोले, अभी वीडियो तो शाम को बन रहा है, गुड इवनिंग में। ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, जो घर अपन भाड़े पे देते हैं। ओके, तो इसमें दो होता है, एक SOP होता है, एक LOP होता है। SOP बोले तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, LOP बोले तो लेटर प्रॉपर्टी। ओके, तब इसमें ना सबसे पहले अपन क्या करेंगे मालूम है, ये समझेंगे क्या है। ओके, तो हाउस प्रॉपर्टी क्या है, लेटर जो भाड़े पे दिया, पार्टली वैकेंट मतलब जो भाड़े पे देने के बाद खाली है, सेल्फ ऑक्यूपाइड अप टू 2 मतलब आप उस घर में रह रहे हो, डीम टू बी लेटर मतलब आपके पास एक दो मतलब एक घर है, आपके पास चार घर है, एक में आप रह रहे हो तो वो बाकी का 3 डीम टू बी लेटर होगा, क्योंकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक को ही देखा जाएगा, बाकी को भाड़े पे दे देते हैं। तो ये हाउस प्रॉपर्टी हो गया। हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है, मतलब जो बंदा भाड़े पे देता है घर अपना, भाड़े पे देता है उससे जो रेंट कमाता है, तो उस पर भी उसको टैक्स देना पड़ता है, उसको बोलते हैं हाउस प्रॉपर्टी। तो इधर क्या दिया है, इनकम अंडर हेड विल ओनली चार्ज, कौन सा इनकम चार्ज होगा, प्रॉपर्टी मस्ट कंसिडर वेन बिल्डिंग या लैंड, जगह होगा, और प्रॉपर्टी मस्ट बी ओन बाय SSC मतलब वो मालिक का होना चाहिए जिस पर टैक्स लगता है। ओके, प्रॉपर्टी मस्ट नॉट नॉट बी ऑक्यूपाइड बाई दी ओनर फॉर दी पर्पज ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन, कोई बिजनेस या प्रोफेशन चला रहा है तो वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। ओके, तो ये फॉर्मेट होता है ना हाउस प्रॉपर्टी का, तुमको याद करना पड़ता है बच्चों लोग। तो इसके लिए ऊपर उनने बहुत सारे सम्स सॉल्व कर दिए, और एग्जाम में आपको क्वेश्चन में सम्स भी आएगा, वो भी उठा के तुम थियरी एक्सप्रेशन में डाल सकते हैं। तो हाउस प्रॉपर्टी में कंपटीशन और नेट एनुअल वैल्यू, तो नेट एनुअल वैल्यू कैसे आता है, इसको नाउ बोलते हैं, नाउ के पहले गाँव आता है, गाँव बोले तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सबसे पहले लिखने का फेयर रेंट कितना रेंट होता है, और म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से क्या भाड़ा है। तो ये दोनों में क्या उठाने का, बड़ा उठाने का, हायर। तो फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यूएशन में क्या उठाने का, बड़ा उठाने का। ओके, हायर उठाने का। फिर स्टैंडर्ड रेंट लिखने का, क्या लिखने का, स्टैंडर्ड रेंट, क्या लिखने का, स्टैंडर्ड रेंट, और स्टैंडर्ड मतलब एक रेंट, इतना रेंट फिक्स होता है, तो वो उसमें छोटा उठाने का, इन दोनों में छोटा उठाने का। फिर एक्चुअल रेंट रिसीव, कितना रेंट तुमको मिला, कितना रेंट मिला उसमें बड़ा उठाना है, क्या उठाना है, बड़ा उठाना है। तो ये सीक्वेंस याद करना है, तो जो बड़ा आंसर आएगा उसको ग्रॉस एनुअल वैल्यू मिलेंगे, फिर उस पर म्यूनिसिपल टैक्स पेड माइनस होएगा, फिर आपको नेट एनुअल वैल्यू मिलेगा। राइट, गांव से म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर लेना है, टेनेंट नहीं लेना है, जो ओनर ने टैक्स पेड किया वो कंसिडर करने का रहता है, और नेट एनुअल फिर माइनस करने का नेट एनुअल वैल्यू मिलेगा। तो ये तुम्हारा हो गया फॉर्मेट, ये तुमको बना देना है हाउस प्रॉपर्टी का, अगर थियरी लिख रहे फॉर्मेट बना देने का, और एक सम भी आएगा तुमको, वो भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अभी उसके बाद क्या बना बच्चों लोग, इसमें डिडक्शन भी आ सकता है ना, तो जैसे सैलरी में अंडर सेक्शन डिडक्शन 16 था, इसमें डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन आता है 30%, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% किस पे निकाल लेगा, NAV पे निकाल लेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना 30% NAV पे निकाल लेगा। ओके, फिर और एक डिडक्शन है इंटरेस्ट का, राइट, 24 में दिया है, क्या दिया है, इंटरेस्ट पेबल ऑन एनी लोन फॉर एक्विजिशन, जो घर खरीदने के लिए या कंस्ट्रक्शन या रिपेयर के लिए लिया, वो भी इंटरेस्ट क्या आएगा, डिडक्शन में आएगा। तो दो डिडक्शन याद कर लो, एक तो है 30% ऑफ NAV और एक है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस प्रॉपर्टी, फॉर हाउस प्रॉपर्टी, ये डिडक्शन में आएगा। ठीक है, ये तुमको याद करने का था, और याद रखो इनकेस ऑफ SOP में लिमिट है 2 लाख, SOP में लिमिट कितना है 2 लाख, अगर SOP है तो उसका इंटरेस्ट का अमाउंट का लिमिट कितना है 2 लाख है, और फॉर एनी अदर प्रॉपर्टी और कोई और प्रॉपर्टी है एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी क्लेम, और अगर लेटर प्रॉपर्टी उसमें कितना भी इंटरेस्ट भरा हो पूरा डिडक्शन में आएगा, कितना भी इंटरेस्ट ऑन लोन हो डिडक्शन में आएगा, पर SOP के लिए लिमिट कितना 2 लाख है, SOP के लिए लिमिट कितना है 2 लाख। ओके, ये तुमको याद रखने का था, डायग्राम बना देने का था, तुम्हारा एक टॉपिक कवर हो गया, कौन सा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर में सम्स आएगा वो भी उठा के डाल दो, तुम्हारा शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा बच्चे लोग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, और बाकी के भी शॉर्ट नोट अपलोड कर दिया उसको भी चेक कर लेना।